आईपीएल 2021 का जो सेकंड फेज होने वाला है उसका पहला मैच जो होने वाला है वो होने वाला है मुंबई इंडियंस और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। लेकिन इस मैच में चेन्नई के टीम में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्यों चेंजेस होने वाला है वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और चेंजेस के बाद प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या हो सकता है वो भी मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज। तो अगर मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को भी जरूर से जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर मेरे साथ आप जुड़ते रहेंगे तो मेरा भी फैमिली ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा नहीं बहुत ही भला हो जाएगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे इस मैच के बारे में, इस मैच में प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है दोनों टीमों की ओर से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस मैच में मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा सीएसके का जो मेन टॉपिक आता है उसके बाद वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 देख लीजिए कि सबसे पहले ओपन करने वाला है नो डाउट कुंडन डीकॉक के साथ रोहित शर्मा, इसमें कोई दौरा नहीं है, कप्तान भी करने वाला है रोहित शर्मा। उसके बाद सूर्या कुमार यादव खेलने वाला है तीसरे नंबर पे, चार नंबर पे ईशान किशन, ठीक है। पांच नंबर पे खेलने वाला है नो डाउट कैरन पोलार्ड का हालांकि उतना खास फॉर्म नहीं था लेकिन फिर भी उनको खिलाया जाएगा। उसके बाद आप छह नंबर पे खेलने वाला है हार्दिक पांड्या, सात नंबर पे कुणाल पांड्या, सात नंबर तक हो गया। उसके बाद आठ नंबर पे देखिए जिसका फॉर्म रहेगा नेट में उनको ही खिलाया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है वो आप सुनिए, नेथन कुंटनाइल जो एक नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, उसके साथ है आपका जिमी नीशम और मार्को जेंसन, इन तीनों में से कोई भी एक खिलाड़ी को खिलाया जाएगा, आई थिंक सो कि जिमी नीशम को खिलाया जाए। उसके बाद नौ नंबर पे जसप्रीत बुमराह, दस नंबर पे ट्रेंट बोल्ट और लास्टली ग्यारह नंबर पे नो डाउट राहुल चार। तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकता है, इसमें कोई भी दौड़ाए नहीं है, क्योंकि यही बेसिकली हो सकता है प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस का। लेकिन सीएसके का पहले अगर बताया जाता तो पहले का सेट था कि कैसा हो सकता है, मैं पहले भी एक वीडियो बनाया हूं उनके ऊपर, तो वहां पर सेट था कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो न्यूज आ रहा है सामने कि सैम करन पहले के मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो क्वारंटीन कंप्लीट उनका नहीं होगा, तो क्वारंटीन करने के दौरान वो पहले मैच से मिस करेंगे। और पैप डुप्लेसिस का भी चोट आया है गहरी तरह से, और अगर गहरा चोट रहता है वो भी फर्स्ट मैच उनको मिस करना पड़ेगा। तो अगर मिस करता है तो कैसा प्लेइंग 11 हो सकता है, देखिए ये दो तो फर्स्ट चॉइस था सीएसके की टीम में, तो मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 मैं दो तरह का प्लेइंग 11 बताऊंगा, आप एग्री करेंगे कि कौन सा प्लेइंग 11 आप लोग देखना पसंद करेंगे मैच के टाइम में। तो सबसे पहले मैं रखूंगा देखिए इन जगदीशन और रॉबिन उथप्पा, ये तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, और ये एक अगर युवा है तो दूसरा है एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि धोनी अगर चाहे तो रॉबिन उथप्पा को खिला सकता है, तो रॉबिन उथप्पा एज ए ओपनर खेल सकता है और उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मोइन अली, चार नंबर पे सुरेश रैना, पांच नंबर पे एज यूजुअल अंबती रायडू, छह नंबर पे एमएस धोनी, सात नंबर पे आपका रविंद्र जडेजा हो गया, आठ नंबर पे ड्वेन ब्रावो, नौ नंबर पे शार्दुल ठाकुर और दस नंबर पे राहुल चार। और उसके बाद मैं ग्यारह नंबर पे ऑप्शनल रखूंगा कि देखिए सैम करन तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को लेकर ही चलना चाहिए, तो जॉस हेजलवुड को खिला देना चाहिए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है प्री-12 प्लेइंग 11 पहले के मैच के लिए। लेकिन और एक भी ऑप्शन रहता है, क्या ऑप्शन वो आप देखिए, सबसे पहले ओपन कराया अगर जाए मोइन अली के साथ ऋतुराज गायकवाड़ को, उसके बाद तीसरे नंबर पे सुरेश रैना, चार नंबर पे अंबती रायडू, पांच नंबर पे एमएस धोनी, ठीक है, छह नंबर पे रविंद्र जडेजा, सात नंबर पे मुझे लगता है कि कृष्णप्पा गौतम को अगर खिलाया जाए तो अच्छा होगा, कृष्णप्पा गौतम के साथ आप एक्स्ट्रा स्पिन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो अच्छा खासा बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो उसी के बाद आठ नंबर पे ड्वेन ब्रावो, नौ नंबर पे शार्दुल ठाकुर, दस नंबर पे राहुल चहर, और लास्टली अगर ग्यारह नंबर की बात करें तो नो डाउट जॉस हेजलवुड को खिला दीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहे कि एक स्पिन बॉलर एक्स्ट्रा लेंगे तो वहां पर आप कृष्णप्पा गौतम को ना खिलाकर नीचे इमरान ताहिर को खिला सकते हैं, अगर आप को स्पिन बॉलर एक लेग स्पिनर चाहिए तो। तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकता है। आप लोग इसके बारे में क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिए बताइए, और आपका प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है
वो भी जरूर से कमेंट करके बता दीजिए। और मेरे तरफ से ये दो मैं रखा हूँ ऑप्शनल, आप लोगों को कौन सा मतलब पसंद आया है, एक नंबर का या फिर दो नंबर का, वो भी जरूर से कमेंट कीजिए बताइए। और इस मैच में कौन सा टीम जीत सकता है वो भी मैं पहले के एक वीडियो में बताया हूँ, वो अगर आप अभी तक नहीं देखे हो और अभी तक पहुँच गए हो मेरे वीडियो देखते देखते तो जरूर से वो वीडियो भी देख लेना, वहाँ पर मैं फुल कॉम्पिटिशन किया हूँ कि कौन सा टीम जीत सकता है, तो जरूर से वो वीडियो जाकर आई बटन पर जाकर देख लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर से कॉमेंट कीजिए बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।